सॉटी का गेल की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर स्टॉक लगातार लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉक तैयार है क्रैश ब्रेकआउट के लिए, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 238 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, 250 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है गेल में। एक सेल रिकमेंडेशन है वो टाटा मोटर्स में, देखिए यहाँ पर बहुत उम्मीद की गई कि शायद एक लोअर लेवल पे आपको कोई बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले, रिवर्सल के साइन देखने को मिले, लेकिन स्टॉक कभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पाया। और अब क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे पिछला है, तो यहाँ पर एक सेल कॉल लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप बिकवारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉसेस 951 के ऊपर लगाइए और अब टारगेट आपको 900 रुपए सेट करना है। ओके, तो 900 रुपये तक के जोन्स तक भी टाटा मोटर्स जा सकता है। इनफैक्ट सर एक अपडेट भी आया है टाटा मोटर्स में आज, जो 3% के आसपास की बिकवाली है कि ये अपना जो प्लांट शटडाउन होता है अपने प्लांट्स का, क्योंकि बिक्री इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा जो डीलर्स हैं उनके पास भी इन्वेंट्री लेवल्स काफ़ी हाई हैं, तो जो अपने प्लांट शटडाउन्स प्लांट के जो प्लांट शटडाउन्स होते हैं या फिर जो रख रखाव करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, उसको ये थोड़ा एडवांस कर रहे हैं, समय से पहले कर रहे हैं, ताकि ये जो लल पीरियड है या फिर जो बिक्री काफ़ी कम हो रही है उस पीरियड में ही अपना जो मेंटेनेंस है उसको ये पूरा करते हुए देखें। लेकिन गेल में आप खरीदारी